वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को, जितने भी क्वेश्चन हैं 150 के 150, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था, अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या होगा, तो जो प्रश्न संख्या एक है इसका उत्तर हो जाएगा आदि। अभ्यस्त का पर्यायवाची हो जाएगा आदि, एक अति सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्षण का विलोम शब्द है, तो जो कर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकर्षण, दो का सही विकल्प बी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 3, धोबी के सामने कपड़ों का डैश है, तो जो धोबी के सामने कपड़ों का गट्ठर होगा, 3 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, राग का विलोम शब्द है, तो जो राग का विलोम शब्द होगा तो वो हो जाएगा विराग, तो प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, शिवा शब्द का पर्यायवाची है, तो जो शिवा शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है, तो ये हो जाएगा अलावा, जो 5 का सही विकल्प हो जाएगा डी, अलावा। अगला क्वेश्चन है 6, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं विकल्प सी अज्ञेय माने जाते हैं, 6 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए, तो एक तरफ है बोली और दूसरी तरफ इसका क्षेत्र दिया गया है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जो अवधि है ये बोली जाती है आपके लखनऊ में, ब्रज ये मथुरा में बोली जाती है, और जो खड़ी बोली है ये दिल्ली में बोली जाती है, और भोजपुरी वाराणसी में। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर विकल्प सी होगा सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4, 7 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया था, 8 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर बताना है, मिलान वाला प्रश्न है ये भी, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जो मृगावती रचना है ये हो जाएगी कुतुबन की, मधुमालती हो जाएगी मंझन की, चंदायन हो जाएगी मुल्ला दाऊद की, और जो अखरावट है ये जायसी की हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 2 और 4 का 1, 9 में सही कूट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, यहाँ पर रस और उसके स्थाई भाव का मिलान करना है, तो चलिए करते हैं मिलान। जो रौद्र रस है इसका स्थाई भाव हो जाएगा क्रोध, अद्भुत रस का स्थाई भाव हो जाएगा निर्वेद नहीं विस्मय हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, शांत का हो जाएगा निर्वेद, और विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, और विभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, डी का मतलब 10 का D। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है, तो जो ब्रजभाषा का स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर रीतिकाल में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे ब्रजभाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है रीतिकाल को। कई बच्चे इसका गलत उत्तर भी बता रहे हैं, तो ये भक्तिकाल नहीं रीतिकाल ही होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12, कालक्रमानुसार उचित छांटिए, तो यहाँ पर जो सही कालक्रम के अनुसार होना चाहिए, वैसे तो मुझे लग रहे हैं सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं गलती है, पर फिर भी जो सही होगा माना जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले हमारे राध्य आएंगे, फिर रेखाचित्र, फिर सेतुबंध और फिर संस्मरण, इन सभी का प्रकाशन वर्ष 1952 के आसपास है, ठीक है। तो 12 का हम सही डी मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13, उपटन का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो 13 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए। अगला है 14, पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज किसने लिखा, तो ये लिखा गया था उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा, 14 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 15, ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी, तो जो ओम जय जगदीश हरे आरती लिखी थी ये लिखी गई थी विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 16, भक्ति काल का समय क्या है, तो जो भक्ति काल का समय होगा ये होगा 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक, 16 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी पहचानी पत्रिका का प्रकाशन काशी से कब आरंभ किया गया था, ये किया गया था विकल्प ए 1896 ईस्वी में,
17 का सही ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, आज का प्रकाशन कब हुआ था? तो जो आज पत्रिका है इसका प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। 18 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो ये किया गया था 1930 ईस्वी में। 19 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, शिव सिंह सरोज के प्रकाशन का क्या वर्ष है? तो ये हो जाएगा विकल्प बी 1883। 20 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, तो बताना है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा मगरमच्छ। 21 का सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे है, आपके अवकाश का क्या हुआ उपयुक्त वाक्य है? तो यह है प्रश्नवाचक। 22 का सही विकल्प भी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये हो जाएगी भोजपुरी। 23 का सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है 24, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान हो जाती है या होती है, ये कथन किसका है? तो ये अग्नि पुराण में वेदव्यास जी के द्वारा कहा गया है। 24 का सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे है 25, चौराहा में समास है, तो बताना है कि जो चौराहा शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है 26, इसमें पूछा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किन वर्षों में किया था? तो मुझे इसका कन्फर्म उत्तर नहीं मिला है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सही विकल्प बी या सी इनमें से एक हो सकता है, बाकी अभी इसे स्किप ही कर देते हैं जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है। आगे है 27, पंचम वेद किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो ये माना जाता है आपके नाट्य वेद को। 27 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? रेडियो नाटक को कहा जाता है अंधों का रंगमंच। 28 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया था? तो जो भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम दिया गया था 1975 में। यहाँ पर 29 का सही विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 30, यशपाल का जन्म कहाँ माना जाता है? फिरोजपुर छावनी में, जो कि पंजाब में है। 30 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, पर कई कई पुस्तक में भूमपल भी दिया है, नहीं तो भूमपल नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा फिरोजपुर छावनी, विकल्प बी पंजाब। अगला क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है साधारणीकरण क्या है? जो साधारणीकरण आलंबन का होता है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, पर किसी किसी पुस्तक में से दिया गया है रस के समस्त अवयवों का होता है साधारणीकरण, जहाँ तक मुझे लगता है विकल्प ए यहाँ पर उचित होना चाहिए, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने पर देख लेंगे क्या होगा। आगे है 32, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था कलकत्ता में, ठीक है, 32 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, उदंत मार्तंड मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। 33 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित पत्रिका और संपादक युगों में कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा विकल्प बी आनंद कादम्बनी, राजेंद्र अवस्थी की पत्रिका नहीं होगी, बाकी सभी सुमेलित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 35, अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 35 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, संस्कृति के चार अध्याय के लेखक कौन हैं? ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। 36 का सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम किसने दिया? विकल्प ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 37 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे विकल्प ए देवीदत्त शुक्ल। 38 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। संसद से सड़क तक किसकी कविता है? ये हो जाएगी सुदामा पांडे धूमिल की। 39 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध बर्तनी हो जाएगी ज्योत्सना, विकल्प सी के अनुसार लिखी जाती है। 40 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41, सुमेल में नहीं है, तो जो सुमेल में नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 42, आचार्य विश्वनाथ की रचना कौन सी है? तो जो आचार्य विश्वनाथ की रचना हो जाएगी साहित्य दर्पण। 42 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी थे? तो ये थे इटली के। 43 का सही विकल्प बी हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अधिकतर जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी वहीं से पूछे हुए थे, इसलिए उतने मुश्किल प्रश्न हम इन्हें नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये था मॉडरेट लेवल के थे, थोड़े मुश्किल भी थे, थोड़े आसान भी थे, बीच के थे, इतने टफ नहीं कहा जा सकता है। पर ये अवश्य कहेंगे कि जो इससे पहले के जितने भी टेट हुए हैं एलटी के, उनमें ये सबसे यूनिक पैटर्न था, ठीक है ना। अब से आपको अपनी तैयारी हार्ड करनी है, क्योंकि धीरे धीरे प्रश्न पत्र का लेवल मुश्किल होता जा रहा है। और कमीशन भी देखिए, कमीशन भी कितना मुश्किल पूछा जाता है, उसी को लेकर ये प्रश्न पत्र भी बनाया गया था। अगर आप चाहते हैं तो हमारी जो कोर्स आ रहा है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य करवाया जाएगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका सारा स्ट्रक्चर बता दूंगा, कैसे क्या करना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? तो जो आचार्य रामचंद्र आचार्य दंडी थे, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। यहाँ पर 44 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45, कृष्णा सुप्ति की संस्मरण रचना कौन सी है? तो जो कृष्णा सुप्ति की संस्मरण रचना होगी तो ये हो जाएगा हम हशमत, विकल्प ए यहाँ पर 45 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, डुंडाड़ी बोली है, तो जो डुंडाड़ी बोली है क्या है? ये पूर्वी राजस्थान की, या जयपुरी भी इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? गारसा दत्तासी, 47 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था, जो संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है, तो ये हो जाएगा, मैं फिर से कहूँगा, इसका सही उत्तर सामंत विरोध हो जाएगा, क्योंकि जो सूफी थे इन्होंने सामंत का विरोध नहीं किया था। जो उस समय घटित होती थी चीज़ें, उनका जैसे बाह्य आडंबर था किसी भी चीज़ का, ये सूफी विरोध नहीं करते थे। पर जो संत थे इन्होंने प्रबल तरीके से इसका विरोध किया। उदाहरण के लिए आप कबीरदास जी को लीजिए, उन्होंने बहुत से जाति पाति खंडन का खंडन किया, बाह्य आडंबरों का खंडन किया, परंतु सूफियों में ये कहीं भी प्रचलित नहीं था। तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पर ए होना चाहिए, सामंत विरोध, 48 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी विकल्प ए ब्रज, 40 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है? तो ये है आत्मा, या परमात्मा भी कह सकते हैं, 50 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, छायावाद नाम किसने दिया? तो जो छायावाद नाम दिया था सर्वप्रथमतः मुकुटधर पांडे के द्वारा, 51 का सही विकल्प ए हो जाएगा। धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है? तो सबसे पहले तो इसकी विधा याद रखिए, धूमकेतु एक श्रुति है उपन्यास, और ये किसकी रचना होगी? नरेश मेहता की, 52 का सही विकल्प सी हो जाएगा। एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है? तो ये हो जाएगा निर्मल वर्मा का, 53 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो मेरे पास सीरीज़ है ये सी है, आप फिर भी अपने प्रश्नों का मिलान कीजिएगा एक बार। हाँ, वीडियो के अंत में अवश्य बताइएगा आपके 150 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जो उत्तर तालिका मैंने बताई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54, ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? तो जो ठेठ हिंदी का ठाठ है ये उपन्यास विधा की रचना है, 54 का सही विकल्प भी हो जाएगा। इसके उपन्यासकार का नाम आप बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 55, कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, हरिदेव का पुत्र, ठीक है, 55 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ लिए शब्द की आवृत्ति वाला अलंकार कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा यमक, 56 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57, ममट ने काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो बताइए ममट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो ये बताए हैं 6, 57 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, लक्षणा शब्द शक्ति में प्रधानता होती है? तो बताइए लक्षणा शब्द शक्ति में किसकी प्रधानता होती है? तो ये होती है लक्ष्यार्थ की, 58 का सही विकल्प सी हो जाएगा। बामन ने डैश को काव्य की आत्मा माना है? तो जो बामन ने किसको काव्य की आत्मा माना है? रीति को, 59 का सही विकल्प ए हो जाएगा। कौन सा रस नहीं है? तो जो व्यंग्य है ये रस नहीं होगा, 60 का सही विकल्प ए हो जाएगा। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरतमुनि को, 61 का सही विकल्प ए हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? तो जो दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कुंडलिया, 62 का सही विकल्प डी हो जाएगा। कविप्रिया किसकी रचना है? तो जो कविप्रिया रचना होगी ये हो जाएगी केशवदास की, 63 का सही विकल्प डी। दोहा के विषय में दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो अपनी पिछली वीडियो में इसका उत्तर गलत जा दिया था। दोहा के विषम चरण में मात्राएं होती हैं 13, 64 का सही विकल्प डी हो जाएगा। छंद प्रत्यय में आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। सही विकल्प 65 का बी हो जाएगा। भक्ति काल की संतमत धारा का आरंभ किससे माना जाता है? नाथ संप्रदाय से। 66 का सही विकल्प बी हो जाएगा। दादू दयाल की वाणी का मुख्य रूप है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। ये आप मान सकते हैं कि दोहा या चौपाई इनमें से एक किसका होगा, ठीक है? 67 का ए या सी में से एक होगा, अभी इसे स्किप कर देते हैं। 68 है, ब्रजभाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है? उद्धव शतक। 68 का सही विकल्प बी हो जाएगा। रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है? उत्तर कांड में किया है। 69 का सही विकल्प बी हो जाएगा। कबीर शब्द किस भाषा का है? कबीर शब्द हो जाएगा अरबी भाषा का। 70 का सही उत्तर ए हो जाएगा, कबीर का अर्थ होता है महान। 71 शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में हो जाएगा द्विगु समास। 71 का सही विकल्प बी। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य है संकेतवाचक। 72 का सही विकल्प ए हो जाएगा। मखमली जूते मारना आशय है, मधुर बातों से लज्जित करना। 73 का सही विकल्प डी। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं डैश में कहलाती हैं, तो ये हो जाएंगी जातक कहलाती हैं। 74 का सही विकल्प सी। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? दो आधारों पर। 75 का सही विकल्प ए। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? यूरोपीय भाषा परिवार से। 76 का विकल्प बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है पाली। 77 का विकल्प सी। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो ये किया था विकल्प डी इंडिया। 78 का सही विकल्प, हाँ इसमें थोड़ा सा डाउट अवश्य बनेगा, सी या डी में से एक होगा, ठीक है। 79 हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। 79 का ए होगा सही विकल्प। ध्वनियों के भेद हैं, तो जो ध्वनियों के भेद होंगे स्वर व्यंजन। 80 का सही विकल्प बी हो जाएगा। उपाध्यक्ष का सही उपसर्ग चुनिए, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 81 का ए। गुण संधि कौन सी है? विकल्प बी महाजमा ईश्वर, ये गुण संधि हो जाएगी। 82 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो जो नवरत्न शब्द है इसमें समास होगा द्विगु। 83 का सही विकल्प सी हो जाएगा। किसमें विसर्ग संधि है? तो जो विसर्ग संधि होगी अतएव में होगी। 84 का सही विकल्प ए हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। 85 का सही विकल्प सी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ब्रज पूर्वी हिंदी की बोली नहीं होगी। 86 का सही विकल्प ए हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोली को याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, अवच। अवच याद रखिएगा, अवच से होगा अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है। 87 का सही विकल्प सी हो जाएगा। जैन साहित्य की कृति श्रावकाचार में है, तो इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। 88 का सही विकल्प डी हो जाएगा। श्रावकाचार किसकी रचना है, इसका उत्तर आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। 89 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है 90। इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसका रचनाकार मिश्र बंधु हैं, तो ये हो जाएगी मिश्र बंधु विनोद। 90 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं की संख्या कितनी थी? 3 थी। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? अपने अपने अजनबी। 91 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगी विकल्प डी, मोहन राकेश की कहानी। 92 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93, बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगी शिव शंभु के चिट्ठे। 93 का सही विकल्प बी हो जाएगा। नंद और सुंदरी किस नाटक के पात्र हैं? आषाढ़ लहरों के राजहंस के होगा दोस्तों ये। 94 का सही विकल्प बी, लहरों के राजहंस। नंद और सुंदरी इस नाटक के पात्र हैं, और ये किसका नाटक है?
मोहन राकेश का 94 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हामिद का अमीना के साथ कैसा संबंध था? दादी का संबंध था, जो हामिद की अमीना दादी लगती थी। 95 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए, तो ये हो जाएगा वर्षा ही, मतलब सी ही सही उत्तर होगा 96 का सी। अगला क्वेश्चन है 97, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, तो जो अध्यक्ष में उपसर्ग होगी विकल्प ए अधि, 97 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, अप्रत्याशित का सही उपसर्ग विन्यास चुनिए, तो ये हो जाएगा विकल्प सी, अजमा प्रतिजमा आजमा शित, सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 99, स्वागत शब्द में उपसर्ग होगी सु, 99 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है शिष्टता, 100 का सही विकल्प बी हो जाएगा। नाटक नट लोगों की कला का नाम है, किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 101 का सही विकल्प ए हो जाएगा। मेलोड्रामा किसके निकट है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही उत्तर होना चाहिए एकांकी, 102 का सही विकल्प सी होगा, पर कहीं कहीं मुझे त्रास्ती भी मिला है, तो इसका कंफर्म कर लेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। इस पूरे प्रश्न पत्र में आपको 3 या 4 ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जिनका कंफर्म उत्तर नहीं आता, बाकी सभी में आप निश्चिंत रहिए वो सभी सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है 103, जीने की कला निबंध के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, 103 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104, टीवी सीरियल को हिंदी में क्या कहा जाता है? धारावाहिक, 104 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105, आधुनिक युग की मीरा किसे माना जाता है? तो जो आधुनिक युग की मीरा माना जाता है महादेवी वर्मा को, 105 का सही विकल्प बी हो जाएगा। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन, 106 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107, जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, 107 का सही विकल्प ए हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद होंगे 6, 108 का सही विकल्प सी हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, तो ये संज्ञा होगी, 109 का सही विकल्प बी हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा कानिन, 110 का सही विकल्प बी। अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, 111 का सही उत्तर डी हो जाएगा। रसखान ने किस भाषा में साहित्य रचा है? तो जो रसखान थे इन्होंने अधिकतर ब्रजभाषा में साहित्य रचा है, 112 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। बिहारी कौन से काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं, 113 का सही विकल्प बी हो जाएगा। निम्न में से निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी होगी? जलती झाड़ी, 114 का सही विकल्प सी। होरी मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास के पात्र हैं? गोदान के हैं, 115 का सही विकल्प ए हो जाएगा। गोदान के अन्य पात्र होंगे गोबर, धनिया, जुनिया इत्यादि, 115 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा गोदान। चढ़ते हुए डैश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए मृगबंध को, चढ़ते हुए मृगबंध को हम देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, 116 का सही विकल्प यहाँ पर बी होगा, मृगबंध, 116 का सही विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है 117, तक्षक का अनेकार्थी नहीं है, तो ये नहीं होगा विकल्प भी शिलान्यास, बाकी बड़े विश्वकर्मा और सूत्रधार होंगे। अगला क्वेश्चन है 118, शब्द युगम के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, तो ये होगा विकल्प सी, दौलत थोड़ा अल्प, 118 का सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 119, शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, रीति व्यवहार और विद्वान, 119 का सही विकल्प सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 120, अंक का अनेकार्थी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो विकल्प ए है सही हो जाएगा, दैनंदिनी, विकल्प जो यहाँ पर बोलने में कुछ गलती हो सकती है पर जो विकल्प ए है यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, आगे है जीके सेक्शन, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से। निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? तो ये होगा विकल्प सी, लोथल। भारतीय नेपोलियन निम्न में से कौन थे? समुद्रगुप्त, 122 का सही विकल्प बी। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो जो बुडापेस्ट होगी ये आपके हंगरी देश की राजधानी होगी। चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त के नाम से, 124 का सही विकल्प सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? लाहौर में। 125 का सही विकल्प भी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1764 में। 126 का सही विकल्प सी हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर के द्वारा। 127 का सही विकल्प भी। 6 अगस्त 1945 को पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा। 129 का सही विकल्प सी। रघुपति राघव राजा राम गीत की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा इनमें से किसी ने भी नहीं। 130 का सही विकल्प डी होगा, पर कई कई ही यहाँ पर महात्मा गांधी भी मानते हैं, पर मुझे तो इसका सही उत्तर डी ही लग रहा है। सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिलोकपुर में। 131 का सही सी। सारक की स्थापना कब हुई थी? तो सारक की स्थापना की गई थी 1985 में और सारक का मुख्यालय है ढाका में। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 133 का सही विकल्प सी। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? पोरस ने। 134 का सही विकल्प सी। जो जिला दर्रा किसके बीच स्थित है? कश्मीर और लद्दाख के बीच। 135 का सही विकल्प ए। कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। 136 का सही विकल्प सी। चटते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? जापान को। 137 का सही विकल्प बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। 138 का सही विकल्प ए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया था? तो मुझे लगता है बी या सी में से ही उत्तर होगा, जहां तक मुझे मैं मानूं तो वर्धा मान सकते हैं, ये दोनों मतलब महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। 140 का सही विकल्प सी हो जाएगा। कुफरी निमन में से किसके नज़दीक है? शिमला के नज़दीक है। 141 का सही विकल्प बी। चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में। 142 का सही विकल्प डी। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? यह है चंबा का। 143 का सही विकल्प ए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलबाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल महीने में। 144 का सही विकल्प सी। विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र के नाम से जाने वाला मलाणा कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में। 145 का सही विकल्प बी। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? 146 का सही विकल्प डी, अंदमान निकोबार में। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। 147 का सी। जब भारत आज़ाद हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। 148 का सही विकल्प ए। त्रिपिटक किस पवित्र ग्रंथ है? किसका मतलब जो त्रिपिटक है, ये बौद्धों का प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ है। 149 का सही विकल्प ए। इसकी भाषा पाली है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? ह्यूएन स्वांग। यहाँ पर 150 का सही विकल्प सी हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी कंप्लीट वीडियो समाप्त हो जाती है। तो आपको बताना है कि आपके 150 में किससे कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, एग्ज़ाम विवेचना के द्वारा ये जो टेस्ट है इसे शुरू किया जा रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसे लेने के लिए संपर्क कर सकते हो या हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें आपको प्रतिदिन सुबह PDF दी जाएगी। जिस भी टॉपिक का टेस्ट शाम को होगा उसकी आपको PDF दी जाएगी, और शाम को 8 बजे के आसपास इसका मॉक टेस्ट होगा। और सभी प्रश्न जितने भी बनाए जाएंगे ये 25 से 30 होंगे, पर ये तथ्यात्मक होंगे। इसके साथ ये हैंड रिटन होंगे, ठीक है ना, टाइप किए हुए नहीं होंगे, हैंड रिटन होंगे। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आगे कुछ एक PDF हिंदी साहित्य की ये भी हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। यह हिंदी साहित्य मॉक टेस्ट के 10 उत्कृष्ट मॉक टेस्ट, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। अगर आपने इसे परचेज किया होता, इसको सॉल्व किया होता, तो आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न सॉल्व होने थे। तो ये था, इसमें से भी बहुत प्रश्न पूछे गए थे, 1000 प्रश्न में से भी, और ये टेस्ट सीरीज़ में से भी, ठीक है।